जब भी त्योहार आते हैं तो बेसन की कोई भी मिठाई हो सबको बहुत पसंद आती है, चाहे बेसन के लड्डू हो, बेसन की बर्फी हो। लेकिन सच बात तो यह है कि बर्फी बनाने के लिए लोग पहले ही हाथ खड़ा कर देते हैं, क्योंकि भाई चाशनी कौन बनाएगा। तो आज आपको बेसन की बर्फी की ऐसी रेसिपी दिखाता हूँ जिसमें चाशनी की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से बस बेसन भून कर उसमें चीनी मिला सकते हो और बहुत ही बढ़िया बर्फी बनती है। ना कोई तामझाम की जरूरत है, घर के ही पड़े सामान से एकदम अमेजिंग सी मिठाई बना सकते हो और इसका टेक्सचर आप देख ही सकते हो कि कितना अमेजिंग आया है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। मैंने दोस्तों सबसे पहले इस रेसिपी में थोड़ी सी प्रिपरेशन करी है। मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, उनको रफली मोटा मोटा काट लिया है। आप चाहो तो आप बादाम को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन बर्फी में टेक्सचर देने के लिए और टेस्ट इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पर बादाम को ऐसे काट लिया है। इस रेसिपी में आपको सिर्फ इतने से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यही मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। यह 1.5 कप बेसन, 1/4 कप सूजी है, ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप उसको मिक्सी में चला देना, बारीक हो जाएगी। 1/2 कप आपको देसी घी चाहिए होगा और 1/2 कप ही आपको चीनी चाहिए। एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट है ये दोस्तों, तो बिल्कुल ऐसे ही आप बनाना ताकि आपकी बर्फी एकदम परफेक्ट आए। अब जो बात है वो ये है कि जो ये चीनी है आप इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते, आपको चीनी को मिलाने के लिए उसको फाइन पीसना पड़ेगा। तब चीनी के दानों को मिक्सी में थोड़ा सा चला लेना और आपको चीनी का पाउडर मिल जाएगा और ऐसे आपको चाशनी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको बताता हूँ कैसे। बस फ्लेवर के लिए आप यहाँ पर इलायची को कूट लेना। मैंने यहाँ पर 5 इलायची कूटी है और उनका छिलका निकाल लिया है, यानी कि सिर्फ इलायची के दानों का इस्तेमाल किया है। और भुने हुए बेसन और भुने हुए बादाम के साथ ये बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर दे देंगे। आखिरी काम जो आपने बर्फी शुरू होने से पहले करना है वो ये है कि जो आपकी ट्रे होगी ना जिसमें कि आप बेसन भून के डालोगे, उसमें आप घी जरूर लगा देना ताकि आपकी बर्फी आराम से निकल जाए। और अगर आपके पास ब्रश व्रश नहीं है फैलाने के लिए तो आराम से आप उंगली से भी कर सकते हो या कोई टिश्यू पेपर से भी कर सकते हो। बस पहले आप ये सारी तैयारियां करके अपनी गैस के साइड में ही रखना ताकि कुछ भी जले ना और फटाफट सारा काम हो जाए। तो अब गैस ऑन करते हैं और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है आपने। बेसन की भुनाई दोस्तों कभी भी हाई फ्लेम पर नहीं होती, लो फ्लेम पर करना, एकदम कंट्रोल्ड और इवन कुकिंग होगी। और मैं आपको इसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा कि बेसन कैसे भुनता है, कैसे धीरे धीरे करके बेसन में बदलाव आता है और कैसे बेसन में ही अपने आप टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ये आप देखना अभी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कढ़ाई में देसी घी डालना और घी जैसे ही थोड़ा पिघल जाए आप यहाँ पर 1.5 कप बेसन यानी कि सारा बेसन डाल देना। अच्छा, मैंने इस रेसिपी में कोई मोटा बेसन का इस्तेमाल नहीं किया है, ये वही नॉर्मल बेसन है जो आपके घरों में पड़ा होता है। लेकिन अभी जो देखने वाली चीज़ है ना दोस्तों वो ये है कि जो कढ़ाई का टेम्परेचर है वो अभी ज़्यादा है बेसन के टेम्परेचर से। ये देखो बेसन का अभी 45 डिग्री ही है ना, तो कढ़ाई के टेम्परेचर अभी ज़्यादा है। तो जैसे ही बेसन को आप घी के साथ अच्छे से मिला दो आप यहाँ पर सूजी भी डाल देना ताकि सूजी भी भुनते जाए। लेकिन अभी धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप बेसन को भुनोगे तो बेसन का जो टेम्परेचर है वो कढ़ाई के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा और इनफैक्ट जब बेसन भुन जाएगा तो उसका इंटरनल टेम्परेचर कढ़ाई के टेम्परेचर से भी ज्यादा हो जाएगा। अभी आप देखते जाना क्या क्या होगा आगे। आप यहाँ पर अभी एक्स्ट्रा घी बिल्कुल मत डालना, सारी चीजें मिलाना, आपको एकदम सूखा सूखा ब्रेड क्रम्स जैसा लगेगा। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों, ये ऐसा ही होता है। बेसन धीरे धीरे करके जैसे ही हीट पकड़नी शुरू करता है वैसे ही वो अपने आप ही घी को छोड़ना शुरू कर देगा, यानी कि जैसे जैसे ही वो भुनते जाएगा उसमें फ्लेवर बनेगा और वो ही निशानी है जिसका आपको ध्यान देना है। आप आराम से यहाँ पर भुनते रहना ताकि सारी कुकिंग इवन हो, यानी कि चीज़ें जुड़ने लग जाएंगी और बेसन का जो रंग है ना वो थोड़ा सा बदलने लग जाएगा। लगभग 5 मिनट के आसपास ऐसा होने लग जाएगा कि ये मिट्टी जैसा सा हो जाएगा। ये दोस्तों रेसिपी है ही ऐसी कि आपको यहाँ पर जो अपनी कढ़ाई है उससे दूर बिल्कुल भी नहीं होना, कढ़ाई के पास ही खड़े होना है, क्योंकि जैसे जैसे बेसन हीट पकड़ेगा, जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे आपको कढ़ाई को चलाना पड़ेगा, यहाँ पर हिलाना पड़ेगा। अगर मैं अभी आपको टेम्परेचर दिखाऊं तो आप ये देखो 150 डिग्री के आसपास है अभी टेम्परेचर और बेसन का टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास है। मैंने यहाँ पर गैस को बढ़ाया नहीं है, एकदम वही लो फ्लेम पर ही पका रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन जब आप इस स्टेज पर आ जाओ कि जो ये बेसन है ये थोड़ा सा पतला होना शुरू हो जाए, इसमें जो वो ब्रेड क्रम्स वाला टेक्सचर था वो गायब होना शुरू हो जाए और बेसन अच्छे से गर्म हो जाए, तो बस फिर उस टाइम पर आप यहाँ पर बादाम डाल देना। बेसन में अपने आप ही दोस्तों इतनी हीट होती है, इतनी गर्माहट होती है कि ये बादाम पूरे अंदर तक अच्छे से अपने आप ही भुन जाएंगे।
कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये शिकायत होती है बेसन की बर्फी में कि बेसन जो है वो दांत पर चिपक रही है या उसमें थोड़ा सा कच्चापन आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है जब बेसन को आराम से एकदम धीरे धीरे भुना नहीं जाता तब ऐसा होता है। यानी कि बेसन की भुनाई अगर अच्छी होगी तो बर्फी हमेशा अच्छी ही बनकर आएगी। तो आप आराम से इसको चलाते रहना और भूनते रहना बेसन को आराम से। और अगर बाय चांस आपको लगता है कि ये अभी भी बहुत ही सूखा सूखा लग रहा है तो आप चाहो तो अब इसमें एक या आधा चम्मच तक देसी घी और डाल सकते हो। और इतना सा घी डालने से ही ना दोस्तों बहुत फर्क आना शुरू हो जाएगा। ये देखो आप, मैंने आपको करके भी दिखाया है ऐसे। थोड़ी देर आपने अब और भुनना है जब तक कि बेसन में चमक सी आनी शुरू नहीं हो जाती। पहले रंग बदला था, अब चमक सी आनी शुरू होगी और रंग और भी सुनहरा सा होता जाएगा, एकदम गोल्डन सा होता जाएगा। ये देखो आप, अब बेसन में एक शाइन सी आनी शुरू हो चुकी है। तो अब ये समझ सकते हो कि अब बेसन में रंग बहुत जल्दी आएगा। तो अब ध्यान से अब भुनाई करनी है और बिल्कुल भी हाथ रोकना नहीं है, आप इसको चलाते रहना ताकि बेसन जले बिल्कुल भी ना। अब मैं आपको दिखाऊं ना दोस्तों, तो यही है मैजिक मोमेंट। मैजिक मोमेंट ये है कि हमारे जो कढ़ाई है उसका टेम्परेचर कम है लेकिन बेसन का टेम्परेचर कढ़ाई से भी ज्यादा है। यानी कि अब बेसन के अंदर बहुत ज्यादा हीट ट्रैप्ड है दोस्तों और बेसन अच्छे से भुन चुका है। तो बस ये बिल्कुल राइट स्टेज है कि अब आप यहाँ पर चीनी डाल देना, वो जो हमने पीस के रखी थी, और चीनी को अच्छे से मिलाना। बेसन में दोस्तों टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि ये अपने आप ही चीनी को पिघाल देगा। और अगर आपको ये कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है तो इस टाइम पर आप गैस को बंद भी कर सकते हो ताकि ये पूरी जो भुनाई है वो आपके एकदम कंट्रोल में रहे। मैंने तो कर दी थी और फिर ही मैंने चीनी को मिलाया है। और धीरे धीरे करके ना, पहले ये थोड़ा सा सूखा होगा और फिर से अपने आप ही एक चमक सी आने लग जाएगी जैसे ही चीनी पिघलने शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल एंड के टाइम पर आप यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल देना दोस्तों, ताकि इलायची की जो खुशबू है वो बिल्कुल बरकरार रहे। पहले बिल्कुल मत डालना, एकदम एंड में, लास्ट में डालना। और लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ही चीनी भी पूरी सेट हो जाएगी और ये हल्का सा पतला सा हो जाएगा। ये देखो आप, ऐसे एकदम परफेक्ट बर्फी वाली कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और आप चमक देखो इसमें दोस्तों, ये चमक ही निशानी है कि आपने भुनाई बहुत अच्छे से करी है और बर्फी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब सीधा ही आप इसको आप अपने पैन पे ट्रांसफर कर देना जिसमें घी लगा कर रखा था। और थोड़ा सा टैप करने के बाद ऊपर से मैंने यहाँ पर पिस्ता और बादाम की कतरन डाल दी है, एकदम फाइनली स्लाइस करके। बहुत ही सुंदर लगती है। चाहो तो आप थोड़े से केसर के धागे भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। बस अब आपने इसको सेट करने के लिए छोड़ना है। लेकिन मैं आपको ये बात एकदम क्लियरली बता देता हूँ कि सेट करने के लिए पहले आप इसको ठंडा होने देना रूम टेम्परेचर पर, फिर आप इसको बस 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना। इससे आपकी बर्फी एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगी और कटिंग भी बहुत ही आराम से हो जाएगी। ये देखो मैं आपको काट के दिखाता हूँ, सेमी सेट फॉर्म है अभी और बर्फी एकदम सही से एकदम मक्खन की तरह कट जाएगी, है ना। ऐसा लग रहा है बिल्कुल मक्खन काट रहे हैं। सॉफ्टनेस है दोस्तों एक बर्फी में और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है।